नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। बहुत सारी शिकायतें थी साहब कि सर आप कमेंट्स के आंसर नहीं देते हो। तो मैंने आपसे बता रखा है दोस्तों कि सैटरडे का जो दिन होता है वो मेनली मैं आपके कमेंट्स के ऊपर ही वीडियो बनाता हूं। तो आपकी शिकायत आज मैं दूर कर दूंगा। ये वीडियो आपके कमेंट्स देने के आंसर देने के लिए ही बनाई जा रही है, जो आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछे हैं किसी भी रूप में। स्पेशली जो बैंक प्राइवेटाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि अमूमन जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेश्चंस या क्यूरी हैं वो तो मैं सॉल्व आउट करता रहता हूं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आज इस वीडियो में आपके सभी कमेंट्स के आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा स्टेप बाय स्टेप। पूरी वीडियो देखिएगा, आपका भी शायद क्वेश्चन इस वीडियो में छुपा हुआ तो आपको भी आंसर मिल जाएगा। सैटरडे के दिन अमूमन साहब मैं जितने भी कमेंट्स होते हैं पढ़ तो मैं सबको लेता हूं और एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं दोस्तों और फिर कोई मिस भी हो जाता है, आंसर नहीं दे पाता हूं। तो उस कमेंट्स के आंसर देने के लिए ये वीडियो एक सुटेबल है। सैटरडे का टाइम फ्री है, मार्केट है क्लोज, आराम से बेश्चिंत होके मैं इसके आपके आंसर क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। पहली चीज तो जो मैं मेरा व्यूज क्या है प्राइवेटाइजेशन को लेकर, यही चीज मैं आपको समझाता आया हूं अपनी पिछली जितनी वीडियोज में। सरकार का क्या व्यू है, क्या विजन है, वो सरकार ही जानती है, लेकिन हाँ मैं क्या सोचता हूँ वो सारी चीजें आप लोगों के साथ में डिस्कस करता रहता हूँ वीडियो के माध्यम से, और उसमें कितनी सच्चाई है, कहाँ तक वो खबरें सच होती हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए बिना विलंब, मेरे ख्याल से समय गंवाए हुए, बिना लेट किए हुए अपने वीडियो की करते हैं शुरुआत। क्वेश्चंस आपके बहुत सारे हैं मेरे पास, आज है दिन शनिवार, क्या कहने साहब। देखो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है IDBI बैंक को लेकर। IDBI बैंक को लेकर बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस ये पूछा है कि सर हमारी नई नौकरी लगी है और उस नई नौकरी का क्या होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया, वीडियो के माध्यम से भी बताया, वीडियो जाके देखिए, उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी कि जो नए बच्चे इसमें IDBI बैंक में जुड़े कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप अपनी जॉब को एज यूजुअल जैसे पहले आप करते आए हैं वैसे करते रहिए। तो जॉब पे तो कोई खतरा इसमें है नहीं, मैं नहीं मानता कि प्राइवेटाइजेशन से जॉब पे कोई खतरा होगा। प्राइवेटाइजेशन अगर होगा तो LIC उसमें एक अहम भूमिका निभाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपने मेरे से यही पूछा है IDBI के लेकर भविष्य क्या है, कौन इसको खरीदेगा। तो दोस्तों खरीदने की बात तो ऐसी है कि इसमें LIC के अलावा कोई दूसरा और प्लेयर आ ही नहीं सकता। बहुत सारे चीजें मैं पढ़ता रहता हूं, अभी मैं लगा नहीं सकता किसी कारणवश बगल में, कि जो कारोबार है वो धीरे धीरे समेटना भी शुरू हो चुका है, LIC इसको टेक ओवर करते जा रहा है धीरे धीरे। अब इसमें एक लंबी प्रक्रिया लगेगी और लंबी प्रक्रिया में शेयर्स के प्राइस नीचे ना आ जाए इसलिए सरकार इसमें कोई ऐसी मेरे ख्याल से जल्दबाजी करना भी नहीं चाहती। अगर न्यूज़ दे दी कि साहब LIC इसमें एक मेन भूमिका अदा किएगा, प्राइवेटाइजेशन की न्यूज अलग हो गई, तो डेफिनेटली फिर उसका एक साइड इफेक्ट होगा और एक वन टाइम इफेक्ट होगा, और सरकार इसको एक लंबे समय तक इस न्यूज पे बरकरार रहना चाहती है, क्योंकि उतार चढ़ाव से बहुत कुछ सहायता मिल जाती है इन बैंकों के प्राइस पर और बैंकों को। तो मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा कि IDBI बैंक में LIC ही एक अहम भूमिका निभाएगा। बाकी सारी चीजें व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर चलती रहती है कि किस प्रकार LIC धीरे धीरे अपनी पैठ बढ़ा रहा है IDBI बैंक में और क्या क्या वो कर रहा है काम IDBI बैंक में, वो सारी चीजें मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे लगी हुई हैं, आप जाके उनको देख लीजिए। तो जॉब और मेरे ख्याल से आपको LIC के प्राइवेटाइजेशन के बारे में नॉलेज, मेरे ख्याल से जो भी क्वेरी होगी आपको आंसर मिल ही गया होगा। बाकी इसमें कोई और चीजें तो मेरे ख्याल से रहती नहीं है। अब बात आती है कि सरकार क्या पूरी अपनी हिस्सेदारी बेच देगी। देखो दोस्तों, IDBI बैंक में अगर सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचती भी है तो वो LIC को ही बेचेगी, मुझे ऐसा लगता है जहां तक मेरा अनुमान है, क्योंकि अगर विदेशियों के हाथों ये IDBI बैंक देना होता तो ये इसकी प्रक्रिया बहुत लंबे दिनों से चल रही है और अब तक सरकार दे दाके एक तरफ हो भी जाती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और LIC को क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रक्रिया है, LIC हाउसिंग के साथ IDBI बैंक के कारोबार को देखना, क्या उनका मर्जर हो सकता है, ये सारी चीजों को देखने के लिए समय तो लगता है और उस समय को ही साफ सरकार खींच रही है, इसे आप ऐसे कह सकते हो कि सरकार खींच रही है। तो IDBI बैंक से जितने भी कमेंट्स है उसको आपको मेरे ख्याल से आंसर मिल गया होगा। RRB की बात करते हैं। RRB में साहब मैंने आपको बता रखा है जब तक इसके स्पॉन्सर बैंक का कोई चीज मतलब स्थायी समाधान नहीं निकलता तब तक RRB में अभी बात करना थोड़ी जल्दबाजी होगा। फाइनली अगर RRB को भी सरकार मर्ज करने की कोशिश करेगी, मुझे लगता है क्योंकि मर्जर से ही पहली मुझे बहुत बड़ी संभावनाएं और साहब बहुत बड़ी एक आशा की किरण नजर आती है।
चाहे वो आरआरबी में हो, चाहे वो पीएसबी बैंक में हो, कहीं पे भी हो, मर्जर एक अहम भूमिका निभाएगा दोस्तों। तो आरआरबी में अभी जब तक स्पॉन्सर बैंक की स्थिति क्लियर नहीं होती तब तक इनकी ऐसी ही स्थिति रहेगी, और मर्जर की जो संभावना है वो बहुत प्रबल है आरआरबी बैंक में भी। जिस प्रकार पीएसबी पीएसयू बैंक में मर्जर की प्रबल जो संभावना है वो प्रबल है, उसी तरह आरआरबी में भी मर्जर की प्रबल संभावना है। जहां जहां मर्जर की संभावना है वहां वहां सरकार मर्जर की तरफ अपने कदम बढ़ाएगी, और ये शुरुआत हो भी चुकी है, उसमें कोई भी साहब मेरे ख्याल से संशय नहीं करना चाहिए। जहां भी संभावना होगी कोऑपरेटिव में, सोसाइटी में, यहां तक भी सरकार मर्जर की पॉसिबिलिटी को तलाशेगी। देखते रहिए आप, थोड़ा समय लगेगा लेकिन साहब इन चीजों को धरातल पे लाने में थोड़ा समय तो दोस्तों लगता ही है। बहुत काफी लंबा चौड़ा काम है, अब ऐसा तो नहीं है कि इन सबको एक इकट्ठा करके मर्ज कर दिया जाए। प्रक्रिया देखनी पड़ती है, बैलेंस शीट वगैरह देखनी पड़ती है, बैड लोन्स वगैरह देखने पड़ते हैं, किस बैंक पे कितना साहब वित्तीय स्थिति उसकी कैसी है, ये सारी चीजों को देखने के बाद ही मर्जर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मर्जर कर दिया आनंद फानन में मर्जर कर दिया। तो इन चीजों को थोड़ा समझिए, मर्जर के लिए थोड़ा समय चाहिए और उस समय को ही सरकार खींचेगी, और उसके बीच में सरकार प्राइवेटाइजेशन की न्यूज दे सकती है ताकि इनके प्राइसेस में कोई कमी ना आए। तो आरआरबी और पीएसबी जब तक स्पॉन्सर बैंक की क्लियरिटी नहीं होगी तब तक साहब ये ऐसे ही यथायथ जो स्थिति है उसी के अनुसार काम करते रहेंगे। बाद में इसमें भी मर्जर प्रमुख रूप से हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आईडीबीआई बैंक और आरआरबी में अपना आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। रही बात पीएसबी की, कि दो बैंक हैं साहब, अब तो तीसरा बैंक भी इसमें इंक्लूड हो गया है, बैंक ऑफ इंडिया। तो मैंने आपसे कहा है दोस्तों मर्जर के लिए थोड़ा समय चाहिए, और इस समय के लिए प्राइवेटाइजेशन की खबरें जरूर आनी चाहिए। अगर नहीं आएंगी तो क्या होगा इनके शेयर, फिर साहब लोग बेचना शुरू कर देंगे। कब तक साहब अपने धैर्य का वो इम्तिहान लेंगे, कब तक इनके शेयर्स को रखेंगे? एक उम्मीद पे आदमी अपने पास शेयर रखता है कि हाँ प्राइवेटाइजेशन होगा। तो प्राइवेटाइजेशन को सरकार इतनी जल्दी से आसानी से खत्म नहीं करेगी, मर्जर की कार्यवाही में जो भी वक्त लगेगा, जब तक प्राइवेटाइजेशन की खबरें आपके सामने आती रहेंगी, आती हैं और आती रहेंगी। तो पीएसबी की कहानी तो यह है साहब। बाकी और जितने भी क्वेश्चंस कमेंट्स आए हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो किस तरह के कमेंट्स होते हैं, उसमें मेरे ख्याल से आंसर देना भी मैं उचित नहीं समझता। उनको तो मेरे ख्याल से अपने आप ही आंसर मिलता रहता है, वो अपने आप क्वेश्चंस करते हैं, उनको अपने आप ही आंसर मिलता रहता है। तो बहुत से कमेंट्स हैं जो अनयूजुअल, मेरे ख्याल से कोई यूज नहीं है उनका, और बहुत से कमेंट्स ऐसे हैं जिनका मैं व्हाट्सएप पे सॉल्व आउट करने की कोशिश करता हूं, बहुत से कमेंट्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं साहब ये वीडियो के माध्यम से बता देता हूं। बाकी स्टॉक रिलेटेड जितने ही कमेंट्स हैं, कौन सा स्टॉक लेना है, मार्केट कहां जाएगा, संडे की वीडियो आ रही है, उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में मैं बहुत कुछ बताऊंगा कि अगर बाजार में 16,250 अब आ गया है जो मेरा लास्ट टारगेट था, उसके बाद क्या स्थिति होगी, तेजी होगी, मंदी होगी, एफआई का क्या रोल होगा, सब कुछ कल की वीडियो जो आएगी मेरी संडे की मार्केट रिव्यू, उसमें आप बहुत कुछ चीजों को समझोगे। तो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट क्यूरी के आंसर्स आप लोगों को मिल गए होंगे आईडीबीआई के लिए, आरआरबी के लिए, पीएसबी के लिए। तो इन चीजों को थोड़ा समझिए, जानने की कोशिश, ये मेरे अपने खुद के पर्सनल व्यूज हैं, इन्हीं के आधार पर मैं शेयर बाजार में निवेश करता हूं, इन्हीं सरकारी बैंकों में, इन चीजों के, इन खबरों के आधार पर आईडीबीआई बैंक में या सरकारी बैंकों में मैं निवेश करता हूं, और आपसे भी निवेश करने की सलाह देता हूं। एक दिन में ही कायाकल्प हो रहा है, कैनरा बैंक मेरे ख्याल से अभी तक जो 190 के आसपास ट्रेड कर रहा था आज वो 210 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इन चीजों को समझिए, बायोडिप करिए, पीएसयू बैंक में सेलोनाइज करिए जब भी ये ऊपर आ जाए। यही रणनीति बहुत दिनों से अपना रहे हैं और आगे भी यही रणनीति को अपनाएंगे। आज्ञा दीजिए आज का वीडियो समाप्त करने की, नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार फाइनली, नमस्कार।